ये कक्षा 10 की मैथ वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.4 लेके आया हूं। अगर पसंद आता है तो लाइक तो करना ही है, ठीक है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट है, अगर कोई संख्या पी बटे क्यू के रूप में हो, काहे के हो, मान लो कोई संख्या ऐसे है पी बटे क्यू के रूप में हो, ठीक है। तो अगर क्यू का गुणनखंड यानी हर का गुणनखंड किया जाए, हर का गुणनखंड किया जाए और उसका गुणनखंड कुछ इस प्रकार आए, यानी कि ऐसे इसका गुणनखंड किया जाए, क्या किया जाए, गुणनखंड किया जाए क्यू का, ठीक है। तो अगर ऐसा आता है 2 की पावर m, यानी कि 2 × 2 × 2 ऐसे करके कुछ आता है, तो वो जो आपकी प्रक्रिया होगी वो शांत होगी। कैसी होगी? शांत, शांत प्रक्रिया होगी। कैसी होगी? शांत, ठीक है। अगर q का ही गुणनखंड यानी हर का गुणनखंड 5 की पावर m आए, ठीक, यानी 5 5 5 5 आए, तो वो भी आपकी प्रक्रिया शांत होगी। कैसे होगी? शांत। ये आपको कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान दीजिएगा इसमें। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो सवाल अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। अगर कोई इसी के गुणनखंड इस प्रकार आए 2 की पावर m और गुणा 5 की पावर n समझ लो, ठीक है, ऐसे आते हैं तब भी ये प्रक्रिया शांत होगी। कैसे होगी? शांत है, समझ में। अगर क्यू का गुणनखंड, ठीक, अगर क्यू का गुणनखंड कुछ इस प्रकार आता है ऐसे मान लो, और इसके साथ कुछ और भी अभाज्य संख्या आती है, जैसे मान लो 7 है या 9 है, ऐसा कुछ आता है, तो आपकी वो प्रक्रिया अशांत होगी। कैसे होगी? अशांत। तो एक चीज और होगी, आवर्ती होगी। कैसे होगी? आवर्ती होगी। वो प्रक्रिया आपकी अशांत होगी और आवर्ती भी होगी, ठीक है। अगर 2 और 5 के न आकर कुछ और संख्याएं आए, जैसे आए 3 × 7 × मतलब ऐसे कुछ आए, या 11 × m मान लो, n मान लो, कुछ भी मान लो, इस प्रकार की आपकी आती है, मतलब क्यू की गुणनखंड, तो वो जो प्रक्रिया होगी वो अशांत होगी। कैसे होगी? अशांत। और ये अनावर्ती होगी। कैसी होगी? अनावर्ती होगी, यानी कि 2 और 5 ना आए तो अनावर्ती होगी, ठीक। 2 और 5 आ रहा है तो आवर्ती होगी, और शांत अशांत ये है आपके सामने। इतना सा कॉन्सेप्ट है, अगर ये समझ में आ गया तो आपकी एक्सरसाइज 1.4 बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप नोट में कर लीजिएगा, ठीक है, पुश कर लिया करो और नोट कर लिया करो, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पहले पर। क्वेश्चन नंबर जो पहला बोल रहा है वो कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित पर में संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, ठीक है। दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो लोग पहले सवाल जो है वो ऐसा है, 13/3125, मतलब इसकी जो प्रक्रिया है ज्यादा लंबी नहीं करना है, ठीक है, ज्यादा लंबी नहीं करना और तुरंत बता देना कि शांत है कि अशांत, ठीक है। अच्छा, तरीका 2 है, आप इसका भाग इसमें दे दो, लंबा हो जाएगा तो वो लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, क्योंकि हमें लंबी करने नहीं है, ठीक है। तो हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, किसके, क्यू के, यानी कि हर के। तो गुणनखंड देखो, काटो से 5 से 5 × 6 = 30,
पांच दूनी दस, पचम पच्चीस, ठीक है। फिर से पांच से काटते हैं, पांच एकम पांच, पांच दूनी दस, पचम पच्चीस, ठीक है। और पच्चीस पांच पांच, ठीक है। गुणनखंड करते रहिएगा जब तक एक ना आ जाए नीचे, ठीक है। तो कितने पांच आए आपके, पांच, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं तेरह बटे पांच पे घाते पांच, ठीक। अब आप यहां से क्या समझ रहे हो कि पांच की पावर कुछ है, पांच की पावर कुछ आती है तो प्रक्रिया कैसी होगी, सात, कैसी होगी, सात। मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था, अगर यहां पे दो की पावर कुछ आ रहा है या एम की पावर कुछ आ रहा है या दो की पावर एम गुणा पांच की पावर एन कुछ इस प्रकार आता है तो वो प्रक्रिया कैसी होती है, शाम। देखो प्रक्रिया अपनी लंबी भी नहीं हुई और हल भी हो गया, शाम तो आसान भी पता चल गया, है ना। इसी प्रकार आपके दस सवाल है, पहले सवाल में दस सवाल है जो कि सेम इसी प्रकार है। मैं एक सवाल और बता दे रहा हूं कोई, और बाकी आप करिएगा, अगर कोई फिर भी समस्या होती है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एक सवाल इस प्रकार है, चलो हम सीधा, चलो हम तीन बता देते हैं। एक है 129 बटे दो की पावर दो, पांच की पावर दो, सात की पावर पांच, इस प्रकार है, ठीक है। अच्छा ये तो सीधा हल किया हुआ है ना, आप समझ जाए बच्चे, आप ये देख के डरना नहीं, सीधा हल किया हुआ है। तो देखो दो की पावर को छा रहा है, एम की पावर को छा रहा है हर में, और इसके साथ साथ एक और संख्या आ रही है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया कैसी होगी, मैंने बताया था अगर दो के साथ कुछ आता है, ठीक है, और भी कोई नंबर आता है तो ये प्रक्रिया आपकी आसान होगी, कैसी होगी, अशांत होगी, कैसी होगी, अशांत। अगर दो और पांच आता है तब तक शांत है, ठीक है, इसके अतिरिक्त और भी कोई संख्या आती है तो वो प्रक्रिया शांत हो जाती है। इसमें एक चीज और है, मैंने लिखा था पीछे, ये कैसी होगी, आवर्ती होगी, कैसी होगी, अगर पूछे ये संख्या कैसी है तो आवर्ती होगी। आवर्ती अनावर्ती मैं आगे बताऊंगा, ठीक। आवर्त भी सुधार दोहरान, अगर कोई संख्या बार बार दोहराती है तो वो आवर्त हो रहा है, आवर्ती कहलाती है, ठीक है। आगे है सवाल, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर वन से मैंने दूसरा सवाल लिया है, एक और लेते हैं। अगला सवाल जो इस प्रकार है, 77/210, ठीक। तो इसमें आ जाइए, इसके गुणनखंड करते हैं 210 के, दो एकम दो, दो पंचे दस, ठीक है। अब तो कटेगा नहीं, पांच से काटो, पांच दूनी दस, ये है, ठीक है, ऐसे गुणनखंड होंगे, ठीक। तो देखो हर में क्या आ रहा, दो गुणा पांच गुणा तीन गुणा सात, देखो दो आ रहा है, पांच भी आ रहा है, इसके अतिरिक्त कुछ और भी संख्याएं आ रही हैं, तो आप क्या करोगे, ये जो प्रक्रिया होगी इसका जो प्रसार होगा वो अशांत होगा, कैसा होगा, अशांत होगा, और कैसा होगा, आवर्ती भी होगा, ठीक है। समझ आपका, ये पहला सवाल हो गया है, इसमें 10 सवाल हैं। कोई भी अगर समस्या होती है कमेंट कीजिएगा, तुरंत ही आपका उसका हल दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिए जो शांत है, इसमें शांत और अशांत मतलब जो मैंने पहले सवाल में जो किए हैं उसमें जो है पूछ रहा है कि उनके प्रसार भी लिखिए जो शांत है या अशांत है, जो शांत है उनके लिखने हैं, अशांत को आपको नहीं लिखने। चलो इसी में से एक सवाल लिए रहता हूं, जैसे कि पहला ही सवाल था, मान लो 13/3125, मान लो, ठीक।
तो इसका जो वर्णखंड किया था वो ऐसा आया था, पांच पे घाते पांच, है ना, यही तो आया था। अब इसका प्रसार लिखना, ये शांत है, कैसा है, ये शांत है, ठीक। अब इसका प्रसार लिखना है, प्रसार कैसे लिखोगे, अब इसका मतलब इसका भाग इसमें देना पड़ेगा तभी तो वो होगा प्रसार, है ना। तो आपको कुछ ऐसा सिस्टम बना लेना है कि हमें ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, यानी कि लंबी प्रक्रिया भी ना हो और उसका सोल्यूशन भी मिल जाए। चलो कैसे बता दी, हो ऐसा है, है ना। अगर इसके साथ हम इसका मल्टीप्लाई कर दें दो पे घाते पांच, ठीक है, आ जाएगा समझ, मैंने क्यों किया, इसका यहां कर दिया तो इसका यहां भी करना पड़ेगा, है ना। तो देखो इधर क्या हो रहा है, तेरह गुणा दो पे घाते पांच, है ना। तो लिख लो एक दो तीन चार पांच बटे, इसे हम लिख सकते हैं दस पे घाते पांच। मैंने ये किया है कि नीचे दस बन जाए और दस का भाग देने में बड़ा आसान होता है ना। तो ये क्या होता है, दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह दुनी बत्तीस गुणा तेरह, है ना, तेरह गुणा बत्तीस, दो तीन छह, दो एकम दो, तीन तिरका नौ और तीन एकम तीन, छह एक नौ दो ग्यारह और चार, चार सौ सोलह आया, कितना आया ऊपर, चार सौ सोलह बटे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक दो तीन चार पांच, इतना आएगा। अब जब आप इसका भाग इसमें देने में आसानी हो गई तो क्या है, ये तीन अंक है तो देखो तीन मान लो ये हो गए तीन, ठीक, बचे कितने तीन, तो ये जो आपका भाग जाएगा एक दो तीन और चार एक छह, ऐसे तो जाएगा नहीं, गलत हो गया, ऐसा नहीं जाएगा, ठीक है। इसका एक जीरो और कम होगा, कैसे, जीरो दशमलव, जो पांच संख्याएं हैं तो दशमलव के बाद आपको केवल पांच संख्याएं रखनी है, दो एक, यानी कि आप इसको फिर सॉल्व करोगे तो यही चीज आ जाएगी, है ना, ये आपका प्रसार हो गया, आया समझ में, नहीं आया समझ में, यानी कि पांच जीरो हैं तो ऊपर पांच संख्या होना चाहिए, क्योंकि हम यहां से मटाते हैं तो नीचे वही उतनी ही जीरो बढ़ जाती है, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, कोई शांत है उसी का हमें प्रसार लिखना है, जो अशांत है उसका हमें नहीं लिखना है। एक सवाल और लेते हैं, मान लो 29 एक है 29 बटे 343, इसका आप गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा। तो बताइए शांत है कि अशांत है, भाई ये अशांत है, कैसा है, अशांत है, और अशांत है तो हमें प्रसार करना ही नहीं है, यही छोड़ देना है, ठीक है। कोई और लेते हैं, मान लो तेईस बटे दो पे घाते तीन पांच पे घाते दो, ये रहा, ठीक है। तो ये कैसा है, ये शांत है, कैसा है, क्योंकि टू की पावर एन और फाइव की पावर एन ऐसा आ रहा है। तो देखो अब ये शांत है तो इसे प्रसार करना पड़ेगा, देखो इसमें पांच पे घाते दो है, दो पे घाते तीन, पांच पे घाते तीन कर लो, देखो कैसे, दो पे घाते तीन पांच पे घाते दो, एक पांच का ऊपर कर दो एक पांच का नीचे कर दो, देखो इसको कर ही लो, पांच या पंद्रह हाथ से ले, पंद्रह दस ले ग्यारह, ऐसा होगा। और ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा दो गुणा पांच की पावर तीन, मतलब दो की पावर तीन और पांच की पावर तीन, है ना। तो आपका हो जाएगा 115 बटे 10 पे घाते तीन, मतलब 1000, है ना। कितने जीरो है, तीन, तीन अंक बाद दशमलव लगाना है, देखो जीरो दशमलव, ये तो तीन अंक पहले से है, लो आपका ये आपका उत्तर हो गया, प्रसार हो गया, क्या हो गया, आया समझ में। ऐसे आपको देखना है, जो शांत है
वो आपको प्रसार करना है, जो आसान है उसे ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि सवाल के अनुसार हम चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर जो तीन कह रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, लिखे हैं। हाँ, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है तो p बटे q की रूप की है, तो q के भाग गुणनफलों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। चलो कोई एक संख्या लेते हैं, इसमें तीन सवाल है। पहला लेते हैं 43.123456789, यही तो है। तो इसमें आपको चेक करना है कि परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है तो p बटे q की रूप की है, तो q की अभाज्य गुणनखंड खंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखो, अगर आप ऐसे देखते हो, मान लो ये दशमलव हटाते हैं, पहले तो आप ऐसे देख लो, देखो 1 2 3 4 9 पे खत्म हो रही है ना, तो ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसी है? परिमेय संख्या है। कैसी है? परिमेय। और देखो इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है क्या? शांत, ये तो पहले से पता चल रहा है कि ये कैसा है, शांत है ना, अभी पता चलेगा शांत शांत। मैं लो पहला हो गया, ठीक, ये परिमेय संख्या भी है, ये शांत भी है। कैसा है? शांत भी है। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा है जो 0.01201200100100100, ये है। तो आप ये बताइए और भी आगे डॉक्टर, अब आप यही समझ जाओ ये शांत है कि नहीं है। नहीं है शांत, क्योंकि पता ही नहीं है कहां तक जाएगी। तो ये कैसी है? अशांत है। कैसी है? अशांत है, ठीक है। दूसरी बात, ये परिमेय है कि अपरिमेय है? ये आपकी जो संख्या होगी वो अपरिमेय होगी। क्या होगी? अपरिमेय होगी, ठीक है। क्यों होगी अपरिमेय? अपरिमेय इसलिए होगी कि देखो ये शांत ही नहीं हो रही है। और इसका तीसरा भी देख लो, तीसरा कुछ इस प्रकार है 43.123456789, ये ठीक है। और इस पर क्या है, यहां से लेकर यहां तक आपका लाइन खींची हुई है, ठीक है। ये बार कहते हैं इसे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये संख्या बार बार दोहराई गई है। यानी कि एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां पे ले लो, जैसे कि लिखा है 0.12, मान लो ऐसा बार लगा है दो बार, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 0.1222, मतलब बहुत सारे दो ऐसा, ठीक है। और इसमें इतनी सारी संख्या मतलब तो ये संख्या बार बार दोहराई जाएगी, ठीक है। तो आप इसमें ये बताइए कि अपरिमेय है परिमेय, तो भाई ये संख्या आपकी परिमेय है। कैसी है? परिमेय। आ तो रहे यही नंबर है ना, ऐसा तो नहीं है कि अनिश्चित है, नहीं, ये आ रहे यही नंबर, तो ये आपका परिमेय संख्या होगी। कैसी होगी? परिमेय संख्या। दूसरी बात, ये शांत है या अशांत, ये आपकी प्रक्रिया अशांत रहेगी। कैसे रहेगी? अशांत। ये प्रक्रिया कैसी रहेगी? अशांत। और ये दोहराते संख्या इसलिए है, मैंने बताया था कि 2 की पावर m और 5 की पावर n, मतलब कुछ और भी आए, कुछ संख्या और भी आए, तो ये संख्या तो अशांत होती है। कैसे होती है? अशांत होती है और प्लस आवर्ती भी होती है, मैंने कॉन्सेप्ट में समझाया था, अशांत भी होती है आवर्ती। इसका मतलब देखो, आवर्ती है
और अशांत है। इसका मतलब इसके जो हर हर के जो गुणनखंड है वो दो और पांच के अलावा कुछ और भी संख्या है, मतलब दो पांच के अतिरिक्त कुछ और भी संख्या है। मतलब सवाल जो कह रहा है तीसरा, वो कह रहा है कि हर के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ऐसे तो बोल रहा है गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, मतलब इसमें जो गुणनखंड होंगे दो और पांच के अलावा कुछ और भी होंगे, है ना। ये आपकी अशांत है और खत्म भी नहीं हो रही है, है ना। तो इसमें आप दो और पांच समझ लो है ही नहीं, ठीक है, और इसमें दो और पांच होंगे तभी तो ये शांत हो गई, है ना। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.4 खत्म होती है, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि अपने साथ साथ अपने फ्रेंडों का भी हित हो, ठीक है। और सब्सक्राइब करने से आपको ऐसा नहीं है, या कमेंट करने से कुछ ऐसा नहीं है कि आप सोचते हो हमें लाभ होता है, लाभ नहीं, उसमें क्या होता है मोटिवेशन मिलता है कि हमारा वीडियो बना कैसा है, आपको पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा। अगर आपको पसंद आ रहा है हमें भी प्रोत्साहित होते हैं कि और बनाए, ठीक है।